अस्सलाम वालेकुम, मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी मेरे रंग में रंगने वाली लेकर हाजिर हूँ। समाज फरमाए रंगीली, ये नाम ठीक रहेगा। मेरे ब्रश पर लगा रंगों जैसा नाम, जिसे मैं अपनी मर्जी से कैनवस पर खूबसूरत सी शक्ल दे सकूँ। मुझे अपनी सोच पर हंसी आ रही थी। उस चंचल शोख और अल्लड़ सी लड़की का नाम रखने के लिए मैं अपने रंगों की खूबसूरती से मिलता जुलता उसका नाम रंगीली रखने की सोच रहा था, और मैंने उसे वाकई रंगीली नाम दे दिया। मैं उन दिनों एक एग्जीबिशन की तैयारी करने की गर्ज से अपने एक दोस्त के गांव आया हुआ था। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में मुझे रंगों से खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं गांव की खामोश माहौल में मगन मगन सा कैनवस को रंगों से भरता रहता, और वो वही जिसका मैंने रंगीली नाम रख दिया था। वो नदी से पीतल की कलसी में पानी भरकर मेरे करीब से गुजरती तो उसके बालों में लगे मोगरे की खुशबू मेरे अंदर तक उतर जाती। मैं ब्रश रखकर उसे देखने लगता। कमर पर पीतल की कलसी, हाथ में कांच की चूड़ियां, लंबी सी चोटी में मोगरे का फूल और गहरे रंग का लहंगा जो एड़ियों के ऊपर तक ही रहता, लहंगे पर बड़ा सा जम्पर और गोटे किनारे से भरा एक बड़ा सा चुन्नी, पैरों में चप्पल की जगह सुर्ख रंग का आलता और घुंघरुओं से भरा एक पायल। मैं अपना काम रोककर उसे देखता रहता, और वो पानी की कलसी लिए धीरे धीरे मेरे करीब से गुजर जाती। उसके जाने के बाद भी उसके पायल की झनकार और मोगरे की खुशबू मेरे इर्द गिर्द ही महसूस होता। उस दिन भी मैं अपना काम छोड़कर उसे देख रहा था कि उसे ठोकर लग गई और वो गिर पड़ी। मैं भागकर उसके करीब पहुंचा। कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं उसकी कलसी उठाकर उसकी आंखों में देखता हुआ पूछ रहा था। जी नहीं, वो अपनी किहुनी सुहलाते हुए खड़ी हो रही थी। आप गिर कैसे गई? मैंने उसकी कलसी उसे पकड़ाकर पूछा तो वो कलसी कमर पर जमाते हुए मेरी आंखों में देखती मानी खेज अंदाज में बोली, आपकी नजर लग गई थी। मैं उसके जवाब पर जोर से हंस पड़ा। मेरे हंसने पर वो झीप गई। फिर मैं अपनी हंसी रोकते हुए बोला, सोच रहा हूँ तुम्हारी एक खूबसूरत सी तस्वीर बना लूँ, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम मेरे सपनों में आती हो, शर्माई शर्माई सी। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो कहकहा मारकर हंस पड़ी। उसके हंसने पर उसके खूबसूरत गालों में छोटे छोटे गढ़े नमूदार हो गए। मेरी नजरें उसी पर जमी थी। अब वो कलसी दोनों हाथों में पकड़कर उसे झुलाती हुई बेनियाजी से कह रही थी, बना लो, मैं भी तो देखूं तुम कैसी तस्वीर बनाते हो। तुम्हारी तस्वीर तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बनाऊंगा, मैं उसकी आंखों में देखता कह रहा था। वो शर्मा कर नदी की तरफ भागी थी, और मैं एक बार फिर मोगरे की खुशबुओं में खो गया था। उसकी एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाऊं सोचते सोचते 4 साल गुजर गए। अब वो ना तो लहंगा पहनती थी और ना ही कलसी में पानी भरकर लाया करती थी। अब वो साड़ी पहने मेरे छोटे से घर में रहा करती थी, मेरे लिए वक्त पर नाश्ता बनाती, मेरा हर काम किया करती, और मैं अपने रंगों से खेला करता। सुबह से शाम तक तस्वीरें बनाता रहता। तस्वीरें न बनाता तो खाता क्या? महीनों लग जाते एक तस्वीर बनाने में। तस्वीर बनकर तैयार होती तो मैं उसे अपने एक जानने वाले से बेच देता। वो मेरी बनाई तस्वीर खरीद लेता और उसे अपनी दुकान पर बेच देता। पता नहीं उन्हें उस तस्वीर की क्या कीमत मिलती थी, मगर वो मुझे बस इतना ही पैसे देता जिससे मेरी दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। रंगीली अपने नाम की तरह ही रंगीन थी, खूबसूरती से भरी हुई। कभी
किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। 4 सालों में मैं उसे एक भी ढंग की साड़ी लाकर नहीं दे पाया था। मैं चाहता तो था कि उसके लिए रेशम की खूबसूरत सी साड़ी खरीद लाऊं, मगर कहां से लाऊं ये समझ नहीं आता था मुझे। मैंने कई बार रंगीली से कहा भी कि ये रंग ब्रश कैनवास सब छोड़कर कोई दूसरा काम देखता हूँ जिसमें मुझे पैसे ज्यादा मिले, मगर रंगीली सख्ती से मना कर देती। इतना अच्छा तो काम है तुम्हारा, घर पर रहते हो, कहीं जाना आना नहीं पड़ता, जब चाहते हो आराम करते हो, क्या हुआ पैसा जरा कम है तो? हम कम पैसों में गुजारा कर लेंगे। वो मेरे कंधे पर अपना सर रख देती तो मैं अपनी बाहें उसके गर्द घेर लेता। मैं सुबह नाश्ता करने के बाद अपने कामों में लग जाता और रंगीली अपने कामों में। मैं रंगीली को पाकर दुनिया का सब कुछ पा लिया था। कितनी मासूम थी ये लड़की, महीनों दाल पर गुजारा कर लेती, पर्व त्योहारों पर भी नए कपड़े की फरमाइश नहीं करती। मैं दिन रात उसी कोशिश में रहता कि महीने में 2-3 तस्वीरें बना लूं, मगर ये इतना ही मुश्किल था जितना रंगीली के लिए नई साड़ी लाना। फिर अचानक एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड आ गया और मैं सब काम छोड़कर उसकी तैयारियों में लग गया। एग्जीबिशन में अभी वक्त था, मैं एक बार फिर से रंगों में डूब गया था। सारे रंगों को निहारता, एक एक रंग में दूसरा रंग डालता, मैं क्या बनाऊं सोचता रहता, मगर मेरी समझ में कुछ ना आता। क्या बनाऊं में कितने सारे दिन गुजर गए। रंगीली मेरी हिम्मत अफजाई करती रहती, कहती तुम जरूर जीतोगे, तुम्हारी तस्वीर को प्राइज मिलेगी। मैं खुश हो जाता। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं उठकर बालकनी में आ गया। मेरे हाथों में एक पेंसिल थी और मैं एक बड़े से पेपर पर कुछ बना रहा था। सारी रात गुजर गई, मैं बनाता ही रहा। सुबह रंगीली उठी तो भागकर बालकनी में आ गई। मैं अपने काम में मगन था। निखिल, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे प्यार से पुकारा तो मैं सर उठाकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। ये तो वही तस्वीर है, रंगीली पेपर पर झुककर तस्वीर देख रही थी। वही नदी, वही खूबसूरत सा नदी का किनारा और सर पर कलसी लिए मैं, और ये तुम कैनवस पर तस्वीर बनाते। वो तस्वीर पर हाथ फेर रही थी, एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर पेपर पर गिर गया। हाँ, ये वही खूबसूरत तस्वीर है जिसे मैं हमेशा बनाना चाहता था मगर बना ना सका। मैंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें सब याद है, मैं तो भूल गई थी, वो जोरों से रो पड़ी थी। मुझे याद है रंगीली, तुम्हारी फरमाइश, तुमने कहा था बना लो, मगर मेरी जरूरियात ने ये मौका नहीं दिया। मैं उसके आंसू पोंछ रहा था। फिर बहुत सारे दिन गुजर गए उस तस्वीर में रंग भरते भरते। दाल रोटी खाते खाते दिल उदास हो गया, मगर एक उम्मीद थी कि ये दाल रोटी एक दिन दम मुर्ग में बदल जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं भी उसी उम्मीद में जीने लगा। तस्वीर बनकर तैयार हो गई थी। सुबह मुझे उसे लेकर एग्जीबिशन के लिए जाना था। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रंगीली अभी के अभी बोल पड़ेगी, नदी से पानी उछाल खाएगा और देखने वालों को भिगो देगा। रंगीली मेरे लिए दुआएं मांग रही थी और मैं अपनी उम्मीद के दिए को साथ लिए एग्जीब्यूशन में आ गया था। एक एक आर्टिस्ट की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, मगर मेरी गैलरी में सिर्फ एक ही तस्वीर थी। लोगों ने मेरी तस्वीर बहुत पसंद की, मगर मैं जो सोच रहा था कि मेरी तस्वीर को इनाम मिले ये ना हो सका। शाम हो गई, मैं होटल के उस कमरे में आ गया जहां मेरे रहने का इंतजाम किया गया था। रंगीली मेरे साथ नहीं आई थी। दूसरे दिन मैं फिर अपनी गैलरी में था।
आज भी शाम हो गई, इनामात तकसीम हो गए, मेरी तस्वीर यूं ही पड़ी रही, न कोई इनाम मिला और न ही कुछ और। मेरा मन अंदर से उदास हो रहा था। अब मैं अपनी बनाई तस्वीर को वापस से पैक करने वाला था कि तभी किसी की आवाज़ पर मैंने अपनी उदास सी आँखें उसके चेहरे पर मरकूस कर दी। लंबे चौड़े कद का वो शख्स मेरी तस्वीर को गौर से देख रहा था। ये तस्वीर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेगी, वो मेरी रंगीली की आंखों में देखकर कह रहा था। जी, और ये नदी का पानी जैसे अभी उबाल खा ले। मैं खुश होते हुए नदी के पानी पर हाथ फेरने लगा। बहुत खूबसूरत, उस शख्स ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मेरी आंखों में उम्मीद के बहुत सारे दिए जल उठे। गैलरी तकरीबन खाली हो गई थी। वो शख्स तस्वीर में जैसे खो गया। ये मेरी रंगीली है, मेरी वाइफ, मैं रंगीली की आंखों में देखता कह रहा था। बेचोगे इसे, वो मुझसे पूछ रहा था। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। मैं अपनी रंगीली को बेचने के लिए नहीं लाया था। सोचा था मेरी इस तस्वीर पर मुझे इनाम मिलेंगे, मगर इनाम पाने के लिए हुनर के साथ साथ सिफारिश की जरूरत होती है। बोलो, बेचोगे इसे, वो अब बराए रास्त मेरी आंखों में देख रहा था। मैं चुप था। घर पर बैठी रंगीली से वादा करके आया था कि इनाम मिला तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाऊंगा और इस बार राशन में दाल नाम की कोई चीज नहीं होगी। रंगीली, मैंने अपनी आंखें झपकाई और रंगीली की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। वो मुझसे कह रही थी, ये तस्वीर ही तो है, बेच दो फिर बना लेना। बोलो, ये तस्वीर बेचोगे, वो शख्स एक बार फिर पूछ रहा था। मेरे लबों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट तैर गई और मैं धीरे से नफी में गर्दन हिलाने लगा। वो शख्स मेरे कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, तुम्हारी वाइफ की तस्वीर है, मैं इसे खरीद भी नहीं सकता। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने साथ अपने मुल्क US ले जाऊं, जहाँ तुम हमारा आर्ट स्कूल चला सको और मैं तुम्हारे घर का खर्च। मैं उसकी बातों पर हैरत में डूबा उसे देखता रहा। वो मुस्कुरा रहा था और मैं हैरान सा उसे देख रहा था। फिर वो अपनी जेब से अपना वॉलेट निकालने लगा। मेरी नजरें उसी पर रुकी हुई थी। अब वो अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाकर कह रहा था, ये रख लो और हाँ, शाम घर जाने से पहले मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल लेना। मैं एक अच्छे आर्टिस्ट की तलाश में यहाँ आया था। जो मुझे तुम्हारी शक्ल में मिल गया, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। मैंने कार्ड को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। सारे उम्मीद के दिए लहक लहक कर जल रहे थे। मेरे अंदर की खुशियां आंसू की शक्ल में निकल रही थी। वो शख्स मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे हौसला देने के बाद वापस हो गया। मैंने बढ़कर रंगीली की आंखों को चूम लिया। मैं उस खूबसूरत सी तस्वीर को सीने से लगाए खड़ा था और मेरी रंगीली मेरी तस्वीर से निकलकर रेशम की साड़ी पहने मेरे सामने खड़ी थी। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं जल्द ही अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर आप सबों की खिदमत में वापस से हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।